प्लीज कम, आप भी आओ प्लीज। This is the camp of 75 artists we meet in Sunset House. These are the words. That was on Tilak's birthday, 22nd July. So we did it in the lovely on the coastal area, beautiful view, amazing property, Maharashtra. Amazing. Ganpati Pune, no? Amazing. Come out of your cottage and you see the sea. Lovely. And good work has come. नमस्कार, मैं प्रोफेसर विश्वनाथ साबले, अधिष्ठाता सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई। वेस्ट कल्चर जोन उदयपुर ने एक बहुत ही अच्छा शो यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के दौरान जे जे स्कूल ऑफ आर्ट और वेस्ट कल्चर जोन उदयपुर के साथ में हमने रत्नागिरी में लोकमान्य तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद इनके ऊपर एक अच्छा कैंप किया। लगभग ऑल ओवर इंडिया से 75 आर्टिस्ट के पेंटिंग्स आर्टिस्ट वहाँ पे एक साथ हुए थे और फिर उन्होंने इस सब्जेक्ट को लेके पेंटिंग्स किए थे। उसी से कुछ पेंटिंग्स यहाँ पे डिस्प्ले किए, आप इस एग्जीबिशन में देख सकते हैं। उसके साथ जहांगीर के अलग अलग गैलरी में अलग अलग प्रकार के जो या अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेके जो पेंटिंग्स किए, जैसे कि केरला म्यूरल्स है, देन ट्राइबल आर्ट है और वाटर कलर के लैंडस्केप भी है। तो एक अलग अलग टाइप के पेंटिंग्स एक साथ देखने का एक अच्छा मौका यहाँ पे मिल रहा है, आपको मिल सकता है। तो मैं सबसे आह्वान करता हूँ कि सब लोग आके इस एग्जीबिशन का आस्वाद लीजिए। धन्यवाद। इस एग्जीबिशन में जो अलगपन दिख रहा है कि एक आज़ादी के ऊपर जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स है उनके पोर्ट्रेट्स और उनके पेंटिंग्स, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस है, महात्मा गांधी जी है, लोकमान्य तिलक है, चंद्रशेखर आज़ाद है, इन सबको सबके बारे में हर आर्टिस्ट ने अपना अपनी सोच से पेंटिंग्स किए, तो पेंटिंग्स हम इस एग्जीबिशन में देख सकते हैं।
उसके साथ अपनी जो एक धरोहर है, जो ट्रेडिशनल आर्ट है, उसमें एक जो हमारे गोंड आर्ट है, हाँ, देन वारली है या मधुबनी है, तो इस टाइप के अलग अलग जो पेंटिंग्स है वो उसी ट्राइबल आर्टिस्ट ने बनाए हुए पेंटिंग्स आप इस एग्जीबिशन में देख सकते हैं। उसके साथ आज के टाइम के जो समकालीन जो चित्रकार है, जो वेस्टर्न रियलिज्म से लेके रियलिस्टिक मेथड से किए हुए लैंडस्केप देख सकते हैं, वाटर कलर से, तो भी पेंटिंग्स आप इस एग्जीबिशन में देख सकते हैं। तो इस एक प्रदर्शनी की एक विशेषता ये है कि उसको हम अलग अलग प्रकार के जो पेंटिंग्स हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया है वेस्ट कल्चर जोन उदयपुर से, जो वहाँ के जो डायरेक्टर है किरण सोनी मैम, तो उनके इनिशिएटिव से, उन्होंने जो एफर्ट्स लिया उनकी वजह से एक एग्जीबिशन यहाँ पर आ रहा है। तो मैं सब लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग आके इस प्रदर्शन देख लीजिएगा, आपको ये प्रदर्शन सच में पसंद आ जाएगा। मैं किरण सोनी गुप्ता, डायरेक्टर वेस्टर्न कल्चरल सेंटर उदयपुर बेस्ड हूँ। ये जहांगीर में जो आज हमारी एग्जीबिशन शुरू हो रही है चार गैलरीज में, ये वेस्टर्न कल्चरल सेंटर का कलेक्शन है। क्योंकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट करने, आप देखें कि बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स की इस हॉल में एग्जीबिशन है। इसके साथ साथ हमने प्रयास किया है कि हमारी जो ट्रेडिशनल आर्ट है उसको हम लोगों तक ले जाएं, जहां हमारा एक बहुत सुंदर कलेक्शन है म्यूरल आर्ट का, और अधिकतर केरला से वो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बनाया है। उसके साथ साथ आप देखेंगे ट्राइबल आर्टिस्ट हैं, और फिर हमारा फड आर्टिस्ट है जो राजस्थान बेस्ड है, पर्टिकुलरली भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, और लास्ट हमारे वाटर कलर्स के वर्क्स हैं। आप देखते हैं कि कितनी वैरायटी, कितनी स्टाइल है, और हर आर्टिस्ट का एक वर्क डिस्प्ले पे है। और ख़ास बात ये है कि हमारा जो शौर्य आर्ट है जो इस हॉल में डिस्प्लेड है, हमारा फड आर्ट था, म्यूरल आर्ट, ये हमने कोविड टाइम्स में बनाया था, जब आर्टिस्ट को हमने काम देना था, क्योंकि बहुत ही कठिन परिस्थितियाँ आ गई थी आर्टिस्ट के सामने। तो आप देखते हैं कि वर्क फ्रॉम होम में भी कितना सुंदर काम निकल के आया। और तिलक जी का काम हमने रत्नागिरी में किया था 22 जुलाई को, जब उनका जन्म दिवस था गणपति फूले में। आप देखो कि वो भी बहुत अच्छा काम निकल कर आया है। मैं समझती हूँ कि आर्टिस्ट को प्रोत्साहन देने की बहुत ज़रूरत है, अधिक से अधिक प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत है। बहुत सारे आर्टिस्ट्स को ये गैलरी मिलती नहीं है, जाके मिलती है तो वर्षों लग जाते हैं उनको डिस्प्ले करने में। तो हमारा प्रयास था कि जिन आर्टिस्ट को यहाँ दिखाने का मौका नहीं है, तो एक बार उनको भी हम इकट्ठा करके उनका काम भी लोगों तक ले जाएं। और मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि महाराष्ट्र के लोग, मुंबई के लोग इसको बहुत पसंद करेंगे, और हमारी आर्ट एग्जीबिशन का जो ऑब्जेक्टिव है लोगों तक ले जाने का, वो सफल होगा। ये चारों गैलरीज में जो कलेक्शन है, ये वेस्टर्न कल्चरल सेंटर की लगभग पिछले 2 साल की कलेक्शन है। हमारे पास और पिछले सालों की भी कलेक्शन बहुत अच्छी है, और बहुत बहुत मास्टर आर्टिस्ट के भी काम है। लेकिन हम दिखाना चाह रहे थे कि आज के युग में भी जो कठिन मेहनत आर्टिस्ट करते हैं उनका काम भी लोगों तक सामने आना चाहिए, और यही एक हमारा प्रयास था, जो हम सारे वर्क्स इकट्ठे करके, जो एक एक गैलरी में हमने एक एक स्टाइल के वर्क्स लगाए हैं, डिस्प्ले लगाया, ताकि लोगों तक वो जाए कि हमारे म्यूरल आर्ट में कितनी वैरायटी, हमारी ट्राइबल आर्ट में कितनी वैरायटी, हमारी फड़ आर्ट जो कि लोकल आर्ट है राजस्थान की, वो भी इतनी खूबसूरत है, और वाटर कलर्स तो यही। और मैं समझती हूँ कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आर्ट के माध्यम से हम उनको ट्रिब्यूट देना चाह रहे हैं, और मैं समझती हूँ कि आर्टिस्ट और भी प्रोत्साहन लें इससे कि और अधिक अच्छा काम करें। मैं आर्टिस्ट रमेश पाचपांडे मुंबई से हूँ, और यहाँ आज मैं जहाँगीर आर्ट गैलरी में आया हूँ ये शो देखने के लिए, जो अरेंज किया हुआ है
उदयपुर सेंटर से, वेस्टर्न जोन ऑफ कल्चरल सेंटर से किया हुआ है। बहुत अच्छा शो है। यहाँ सब अपने हिस्टोरिकल महाराष्ट्र हिस्टोरिकल जो हीरोज़ हैं उनके पेंटिंग, उनका कलेक्शन, और राजस्थानी जो स्टाइल है अपना इंडियन स्टाइल और पेंटिंग्स, उनके भी बहुत सारे अच्छे पेंटिंग्स हैं। और साथ में वाटर कलर लैंडस्केप की ऑन द स्पॉट किए हुए बहुत बेहतरीन हिस्टोरिकल प्लेसेस के पेंटिंग्स हैं। थैंक यू। नमस्ते, मैं नीलेश वेदे, मैं मुंबई से हूँ चित्रकार, और यहाँ पर मैं जहांगीर आर्ट गैलरी में उपस्थित हूँ इस वक्त। और बहुत ही खूबसूरत एग्जीबिशन लगी है यहाँ पर, जो कि WZCC ने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। और मैं भी हाल ही में WZCC के जो कुछ प्रोग्राम्स हुए हैं उनका हिस्सा रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है मेरा उनके साथ काम करते हुए। यहाँ अगर आप विज़िट करो तो बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ आपको देखने मिलेगी। सबसे खास बात यह है कि इसमें आप कंटेम्प्रेरी वर्क भी देखोगे, ट्रेडिशनल वर्क भी देखोगे, ट्राइबल आर्टिस्ट के भी बहुत सुंदर काम यहाँ पे लगे हुए हैं। तो एक बहुत ही सुंदर कला मेला यहाँ पर लगा हुआ है, एक तरह से मैं कह सकता हूँ। इस एग्ज़िबिशन का ज़रूर लाभ उठाएं, ज़रूर देखें। बहुत सारी कलाकृतियाँ सराहनीय हैं और बहुत कुछ सीखने लायक यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। एंड मैं सारे आर्टिस्ट और आर्ट लवर से गुजारिश करूंगा कि इस एग्जीबिशन को मिस नहीं करना चाहिए। सो प्लीज़ डू विजिट दिस एग्जीबिशन। मेरा नाम ऋतु सोढ़ी है, मैं यहाँ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर हूँ राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से, और मैंने यहाँ आर्ट एग्जीबिशन देखा आज, जो कि बहुत ही सुंदर है। और इसमें अलग अलग आर्टिस्ट के बनाए हुए बड़े सुंदर सुंदर पेंटिंग्स देखने को मिले। इसमें स्पेशली जो फायर से आर्ट वर्क किया है वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। Thank you.